तार प्यारे बच्चों इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सिक्स ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री कर रहे हैं हमारे सामने है क्वेश्चन सा नंबर फोर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन फिगर ये हमें एक फिगर दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपोन पी आर हमें दिया हुआ है एंड एंगल वन इजिकल टू टू एंगल वन एंगल टू ये वाला टू है ये वाला एंगल वन है शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाली ट्रैंगल एंड ट्राएंगल टी क्यू आर जो है हमारे पास क्या हो सिमिलर हो अब अगर मुझे सिमिलर दिखानी है देखिए पी क्यू एस मैं बात करूँ पी क्यू एस की ये छोटे वाली ट्राइंगल और टी क्यू आर की एंगल वन तो दोनों में सेम है कॉमन है अगर हमारे पास ऐसा हो जाए टी क्यू मीन्स दिस टी क्यू अपोन पी क्यू ये साइड अपोन ये साइड इक्वल टू हमने क्या लिया टी क्यू अपोन पी क्यू एंड क्यू आर क्यू आर अपोन क्यू एस अगर हम ये चीज प्रूव कर दें तो हमारे पास एंगल वन इन दोनों के बीच में हो जाएगा साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी ठीक है चलिए अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ केव टी केव टी अपन पी आर है क्यू आर अपोन क्यू एस ये तो मेरे पास है ही क्यू आर अपोन केव एस है ध्यान दीजिए अब क्यू टी अपोन पी आर केव टी अपन पी क्यू पी क्यू को मुझे किसके इक्वल दिखाना है पी आर के इक्वल ये तो हो ही गया हमारे पास ये एंगल वन और एंगल टू इन एंगल पी क्यू आर में एंगल वन और टू इक्वल है इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगे क्वेश्चन तो हम सोल्व कर चुके हैं बस अब तो जो एग्ज़ाम में लिखना होता है वो लिखना है इन फिगर हमें क्या दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इक्वल टू एंगल टू अब मैं ट्रैंगल पी क्यू आर में लेता हूँ इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इकल टू एंगल टू एंगल वन के सामने वाली पी आर पी आर साइड एंगल टू के सामने वाली पी क्यू एंगल पी आर सॉरी साइड पी आर इज इकल टू पी क्यू पी आर इज इकल टू पी क्यू वी आर गिवन ये हमें गिवन था सो क्यू आर अपोन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी पी आर की जगह मैं क्या ले रहा हूँ पी क्यू पी आर की जगह मैंने क्या ले लिया पी क्यू ले लिया एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ये कौन सी ट्रैंगल की कंडीशन uh, बन गई हमारे पास ट्रेंगल टी क्यू एस एंड ट्रेंगल टी क्यू आर इन ट्रेंगल टी क्यू या हमने ये हो ही गया यहाँ पे भी हम लिख सकते थे इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल टी क्यू एस सॉरी टी क्यू आर एंड ट्रेंगल पी क्यू एस ये हमारे पास हो गया एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो गया बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हमारे पास ये दोनों ट्रैंगल ट्रैंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू एस टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू एस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था मात्र एक मिनट का मुश्किल से सम होगा चलिए अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं हम मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल पी क्यू एंड आर है और यहाँ पे एस है और टी है एस कौन सी पे है पी आर पे लेट दिस इज एस एंड क्यू आर के ऊपर हमारे पास, पास पॉइंट है टी इन्होंने बोला ऑफ ट्रायंगल पी के ओवर सच दैट एंगल पी ये वाला जो एंगल है आर टी एस आर टी एस जब टी एस को मिलाएंगे तभी बनेगा मींस दिस एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल है शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बहुत तो आसान है सो सिंपल सॉल्यूशन देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन एंगल पी क्यू आर एस एंड एस एंड टी आर ऑन साइड्स पी आर देखिए ये जो एग्जाम में लिखना है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है आपने इसी तरह लिखना है आर साइड्स पी आर एंड पी आर एंड क्यू आर सच दैट सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस अब ये दोनों ट्रेंगल ले लीजिए जो हमने प्रूव करनी है इन ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर टी एस एंगल आर पी क्यू मीन्स पी और आर टी एस ये दोनों एंगल इक्वल है एंगल आर पी क्यू इज इकल टू एंगल आर टी एस गिवन है हमें ये एंगल पी और टी के क्या है इक्वल दिया हुआ है एंगल आर दोनों में इसमें भी है इस एंगल में भी और इस एंगल में भी एंगल पी आर क्यों एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस पी आर क्यू टी आर एस के इक्वल है क्या होगा ये कॉमन है अब दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा अदरवाइज हमने सिर्फ यही लिखना है बाई एंगल एंगल सिमिलेरिटी ट्रैंगल सिमिलर टू ट्रैंगल आर टी एस देखिए बहुत ही आसान सा था चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट ये भी बहुत ही आसान है इन फिगर इस फिगर में इफ़ ट्रैंगल ए बी ई ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रैंगल ए सी डी के ये वाली ट्रैंगल इस वाली ट्रैंगल के क्या है कॉन्ग्रेंट है शो दैट ट्रैंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रैंगल ए बी सी ठीक है चलिए सोल्यूशन देखिए बहुत आसान है वी आर गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि ट्रैंगल ए बी ई is सिमिलर टू triangle ए सी डी ए बी ई सॉरी ए बी ई कॉन्ग्रेंट दी हुई है ए सी डी अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी किस पी सी टी से और मैं यहाँ से ये भी ले सकता हूँ कि ए बी अपोन ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ए को इधर लेके आएंगे ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू वन और ऐसे ही अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू किसके के ए डी के ये भी हमारा किससे होगा सी पी सी टी से दैट मीन्स ए ई अपॉन ए डी दैट इज आल्सो वन दैट दिस इज वन एंड दिस इज टू अब राइट एंड साइड हमारे पास इक्वल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा वन फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास ए बी अपोन ए सी इज इक्ल टू ए अपोन ए डी होगा ए बी अपोन ए सी इज इकल टू ए अपोन ए डी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए मैं ये कहता हूँ ए बी एपोन ए ई एपोन ए ई विच इज इक्ल टू ए सी अपोन ए सी अपोन ए डी अगर ये इक्वल है वन के हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है वो नहीं मिल रही है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हमने यहाँ पे क्या किया अगर ए ई अपोन ए डी वन है तो ए डी अपोन ए ई हमारे पास क्या होगा ए डी अपोन ए ई इज़ आल्सो वन दैट दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू क्योंकि हमें ए बी अपोन ए डी चाहिए ठीक है ए बी अपोन ए डी चाहिए थी बट वहाँ से हमें ए बी अपोन ए ही आ रहा था इस वजह से हमें ये चीज़ करनी पड़ी अब फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए बी अपोन ये इधर आ गया ए डी विच इज इक्वल टू ए सी अपोन ए ध्यान दीजिए ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए और एंगल ए दोनों में क्या है इक्वल आल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए ये कॉमन है तो मैं कौन सी कौन सी ट्रैंगल की बात कर रहा हूं ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल ए डी ई दिस इंप्लाइज ट्रैंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए डी ई क्राइटेरिया देखिए ए बी अपॉन ए बी अपोन ए डी इजिकल टू ए सी अपोन एंड एंगल ए उनको बनाने वाली जो लाइन्स हैं उनके बीच का जो एंगल्स है वो भी हमारा इक्वल हो गया तो किससे रीजन साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से यही हमने प्रूव करना था हैं प्रू बहुत क्वेश्चन बहुत ही आसान थे चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत